हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेरी रिसेंट टॉपिक विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 इज़ नो डाउट स्मूथ, चार्म एंड वेल ऑप्टिमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज बिहाइंड दैट यू माइट नॉट इवन रियलाइज। दीज रनिंग बैकग्राउंड सर्विसेज ऑन कंप्यूटर दैट सून इफेक्ट योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस एज वेल। सो दैट इज़ बेटर टू डिसेबल इफ यू डोंट यूज़ any services which is running on your computer. So here is how in this video you can disable or stop these services to get smoother, faster and better performance. So iske liye hum jaate hain apne computer mein aur press karte hain window and r key and run dialog box mein hum type karenge services.msc। yahan pe hame services ka ek dialog box open hoga jahan pe aapko kafi sari सर्विसेज रनिंग कंडीशन में दिखेंगे, कुछ स्टॉप होंगी एंड तो ये सारी सर्विसेज क्या काम करती हैं, हम उनमें से किन सर्विस को डिसेबल कर सकते हैं जो हमारे लिए सेफ है, हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन सी सर्विसेज हैं जिन्हें हम डिसेबल या स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो सर्विसेज है वो है ऑल जॉइन राउटर सर्विसेज, और ये सर्विस एक्चुअली एक स्मार्ट डिवाइस के लिए यूज़फुल सर्विसेज है। अगर हम अपने विंडोज़ को स्मार्ट डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट बल्ब या एनी काइंड ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस, देन आप इसको इनेबल करिए, अदरवाइज आप इसे स्टॉप करके कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे डिवाइसेस है वो है सर्टिफिकेट प्रोपगेशन। अगर आप अपने कंप्यूटर में कार्ड रीडर के थ्रू किसी स्मार्ट कार्ड या किसी ऐसे डिवाइस का इंसर्ट करते हैं, इसे यूज़ करते हैं, तो आप इसे इनेबल रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सर्विसेज है वो है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन सर्विसेज। अगर आप एनी काइंड ऑफ ड्राइव इंक्रिप्शन सर्विसेज का यूज़ करते हैं अपने विंडोज़ मशीन में, तो आप इन्हें इनेबल रखिए, अदरवाइज आप इसे डिसेबल कर दीजिए। नेक्स्ट दो जो हम सर्विस डिसेबल कर सकते हैं सेफली वो है हमारी ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विसेज। इन केस अगर आप किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने लैपटॉप को किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे ईज़िली डिसेबल कर दीजिए, कोई इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कर दिया है इसे भी डिसेबल। नेक्स्ट जो हमारे लिए सेफ सर्विसेज है वो है कनेक्टेड डिवाइस प्लेटफॉर्म सर्विसेज। इसके बारे में काफ़ी सारे यूजर्स का डिफरेंट व्यू है, बट हमने इसे किया है डिसेबल, आप भी करके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री, ये एक फीडबैक सर्विसेज है जो बैकग्राउंड में रनिंग रहती है और माइक्रोसॉफ्ट को हमारा फीडबैक सेंड करती है, तो इसे भी हम स्टॉप करके डिसेबल कर देंगे। नेक्स्ट हम सर्विस जो अपने विंडोज 11 मशीन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए डिसेबल कर सकते हैं वो है डायग्नोसिस पॉलिसी सर्विसेज। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसे भी हम डिसेबल कर देंगे। ये सर्विस भी एक तरह का एक डायग्नोसिस सर्विसेज है जो हमारे कंप्यूटर को डायग्नोस करती है, उसके रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट को सेंड करती है। नेक्स्ट है फैक्स सर्विसेज। अगर आप किसी तरह के फैक्स डिवाइस को या ऐसे कोई डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हैं, कनेक्शन नहीं है आपका उसके साथ, तो उसे डिसेबल कर दीजिए। जियो लोकेशन सर्विसेज, ये सर्विस एक्चुअली मोस्टली गेमर्स यूज़ करते हैं लोकेशन एक्सेस करने के लिए। इनकेस आप इन लोकेशन नहीं बताना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। नेक्स्ट सर्विस है हमारी आईपी हेल्पर। अगर हम अपने कंप्यूटर में आईपी वर्जन 6 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम सर्विस डिसेबल करेंगे हमारे लिए जो सेफ रहेगी वो हम कर सकते हैं यहाँ से प्रिंटर स्पूलर, बट इसे हम कम्प्लीटली डिसेबल ना करें हमारे तो वो बेटर है हमारे लिए, बिकॉज हम बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ प्रिंटर भी यूज़ करते हैं, तो अगर हम डिसेबल करते हैं तो प्रिंटर जब पीडीएफ वर्क नहीं करता है, तो हम इसे करेंगे मैनुअल मोड पे रखेंगे और सर्विस को रखेंगे स्टार्ट।
ऑटोमेटिक से मैनुअल करके हम रख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, आप अगर आप किसी तरह के रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसे भी डिसेबल कर देंगे। नेक्स्ट है रिमोट रजिस्ट्री, अगर आप अपने नहीं चाहते कि माई रजिस्ट्री को रिमोटली एक्सेस करके एडिट करें तो उसे आप डिसेबल कर दीजिए। एंड नेक्स्ट हमारे रिटेल डेमो सर्विसेज, अगर एज ए कंज्यूमर हम नहीं चाहेंगे कि हमारा अपने लैपटॉप को कभी एज ए डेमो यूज़ करें, डेमो मोड पे यूज़ करें, तो हम इसे कर देंगे डिसेबल, जो एक अनवांटेड सर्विस है हमारे लिए। नेक्स्ट जो हम डिसेबल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से उस सर्विस को, वो है हमारे ड्रैग करते हैं नीचे, और ये है सिसमेन। सिसमेन एक माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक फीडबैक एक सर्विस है जो हमारे सिस्टम की बिहेवियर्स को, एप्लीकेशंस यूजिंग बिहेवियर को ट्रैक करता है और उस एप्लीकेशन को एट द टाइम ऑफ बूटिंग हमें लोड करके देता है। तो इसे बैकग्राउंड में ये रनिंग रहती है, इसे हम डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी टच कीबोर्ड एंड हैंड राइटिंग सर्विसेज, अगर हम अपने लैपटॉप में ऑन स्क्रीन टच स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इसे डिसेबल कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास टच स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, आपका स्क्रीन टच इनेबल है, तो आप इसे यूज़ करिए। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट सर्विस आएगी, वो है विंडोज़ इवेंट कलेक्टर, आप इसे डिसेबल कर दीजिए। आपको इसे एज ए होम यूज़र हमें ऐसा कुछ यूज़ का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट जो है विंडोज़ 11 इनसाइडर सर्विसेज, और अगर आप किसी विंडोज़ 11 के फ्यूचर बिल्ड के कोई किसी प्रोग्राम से जुड़े नहीं हैं तो आप इसे कर दीजिए डिसेबल, और हमने कर दिया इसे डिसेबल, तो आप भी इसे डिसेबल कर दीजिए, आप हमारे लिए मोस्टली तो यूजेबल नहीं है। नेक्स्ट जो सर्विस है विंडोज़ सर्च, ये एक्चुअली एक सर्च हमारे मेल फाइल्स एंड सर्च में काफ़ी यूजफुल सर्विसेज है, तो अगर आपका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है तो तभी आप इसको डिसेबल करिए, अदरवाइज़ इसको रनिंग रहने दीजिए। तभी के लिए हमने कर दिया है इसे डिसेबल, और हम जाएंगे अपने नेक्स्ट सर्विस में विंडोज़ अपडेट। तो ये सर्विस हमें तभी डिसेबल करनी है अगर हमने हमारे लैपटॉप में अगर अपडेट होने के बाद या पीसी में अपडेट होने के बाद कुछ बग्स आते हैं बार बार, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उसे दूर करने के लिए हम इसे कर देंगे अपडेट को ऑफ, जिससे हमें बार बार अपडेट के इंस्टॉलेशन नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे और हमारे बैकग्राउंड सर्विस प्रोसेस जो है स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट हमने जो डिसेबल करना रहेगा वो है हमारी एक्सबॉक्स गेमिंग से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, उनको एक्सबॉक्स से ये इनका यूज नहीं कर रहे हैं, गेमिंग एज अ गेमर्स हम पीसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। तो हमने इसे सारे सर्विसेज को वन बाय वन ओपन करना है और इन्हें हम डिसेबल कर देंगे। तो भी कुछ सर्विसेज हैं जिन्हें आप अपने कंप्यूटर से डिसेबल करके आप वो अपने कंप्यूटर लैपटॉप के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को फ्री कर सकते हैं अपने अतिथि से। नेक्स्ट जो हमें करना रहेगा, हम विंडो आर प्रेस करने के बाद जिस डायलॉग बॉक्स में टाइप करेंगे MS Config और वहाँ पे सर्विस टैब में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें काफ़ी सारी सर्विसेज रनिंग कंडीशन में आपको दिखेंगे, कुछ स्टॉप दिखेंगे, तो इन्हें हमें स्टॉप नहीं करना है, हमें पहले क्लिक करना है हाई डायल ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, और उसके बाद ही हम यहाँ से अगर हमें किसी सर्विस को डिसेबल करना है, रनिंग नहीं करना है, रनिंग है स्टॉप करना है, तो ठीक उसका हटा देंगे और हम अप्लाई ओके करेंगे। अगर हम चाहते हैं हम सारी इन सर्विस को बंद कर दें, इन एप्लीकेशन की सर्विसेज को अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम डिसेबल ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन सर्विसेज को भी हम बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जिन्हें आप डिसेबल करके स्टॉप करके अपने पीसी के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, डेवलप करना कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।